अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फिर से वेलकम है आपका एक और अनदर वीडियो में। और ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन गाड़ियों का एक साथ हम रिव्यू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इस दिवाली आपके लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल हो सकती है, अफोर्डेबल हो सकती है और बेस्ट रह सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आप एंड तक आप क्या जानेंगे, इसमें आप जानेंगे एस्प्रेसो के बारे में, सेलेरियो के बारे में एंड फाइनली वैगन आर के बारे में। तीन गाड़ियों का बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो ये रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से जो भी इनर सर्किल में गाड़ी लेने में कंफ्यूज हो इन तीनों गाड़ियों में, मारुति की जो कि सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग गाड़ियाँ हैं, सेलेरियो, एस्प्रेसो और वैगन आर, तो उसी वीडियो शेयर कर देना और चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट पे नंबर वन पे रखा है हमने वैगनार को, क्योंकि वैगनार को सबसे ज्यादा कस्टमर ऑडियंस पसंद करती है और ज्यादा से ज्यादा इसकी सेल होती है अकॉर्डिंग टू ऑल व्हीकल्स जो मैंने इस वीडियो में डिसाइड किए हैं। वैगनार का साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी देखो 24 का एवरेज क्लेम करती है कंपनी इसका पेट्रोल के अंदर। अगर 1 लीटर में आप लेते हो यानी कि 1000 cc के अंदर ये 24 का माइलेज देती है आपको। टायर साइज इसका जो है तो 13 का है LXI में, और अगर आप VXI प्लस ZXI ऐसे कुछ लेते हो तो 14 का टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है, LXI में 13 का ही मिलता है। 25 का एवरेज इसका कंपनी क्लेम करती है बेसिकली, और अगर आप AGS में यानी ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग में लेते हो इस गाड़ी को तो ये 25.19 किलोमीटर पर, मतलब कि 25.19 का एवरेज ये AGS में आपको आराम से निकाल के दे देगी, और 34.05 किलोमीटर का आपको ये CNG में निकाल के देगी 1 लीटर के अंदर यानी 1000 cc के अंदर, और 26.56 का ये देगी मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि 1.2 लीटर में। 26.56 किस में आ रहा है, 1.2 लीटर के अंदर यानी 1200 cc में, और 24.43 का एवरेज देगी ये AGS 1.2 लीटर यानी कि 1200 cc में। अगर आप ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग में 1200 cc में इसे लेते हो तो ये आपको 24 तक क्लेम कर रही है कंपनी। इंजन की अगर मैं बात करूं तो पहले अभी हम रियर को देख लेते हैं, पूरे इसका एक्सटीरियर देख लेते हैं आपको लुक कैसा देती है वैगन आर। काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर और शानदार लुक देती है, एक बढ़िया फेमिलियर गाड़ी है। वैगन आर लिखा हुआ है, वैगन आर क्या है ये मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको पहले देख लेते हैं पार्किंग सेंसर, इसके पार्किंग सेंसर्स में आते हैं 2-4 पार्किंग सेंसर नहीं आते, 2 पार्किंग सेंसर आते हैं इसमें, क्योंकि आप पीछे लेते वक्त आपकी हेल्प करेंगे पार्किंग में। पेट्रोल यहाँ से डलवा सकते हो, पेट्रोल को सॉकेट यहाँ है पीछे। ऊपर आपको एक एंटीना देखने को मिलता है, कोई लेटेस्ट अपग्रेडेशन नहीं है शार्कटेक एंटीना इसका। हम डोर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, डोर पर कुछ दिया हुआ है नहीं स्पेशल, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है यहाँ पर, आपको बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें हैं। अंदर का इंटीरियर कूल है और दीवार वाली थोड़ी सी फीलिंग दे रहा है। यहाँ पर फैंस हैं, डैशबोर्ड काफ़ी, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी इसमें, डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा मिल जाता है, कोई एक बैग हम आराम से रख सकते हैं नॉर्मली अपने स्कूल बैग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों का ओवरऑल रिव्यू करेंगे आफ्टर ऑल। तो आप देख सकते हो इसमें देखो वैगनार में आपको 32 लीटर पेट्रोल का फ्यूल मिल जाता है, 32 लीटर तक आप पेट्रोल भरवा सकते हो, और यह आपको नीचे एक वो मिल जाता है आपका टेलीस्कोप जो बताया ना, स्टेयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड फैब्रिक है ज़्यादातर, और यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं डोर पे, ड्राइवर साइड डोर पे आपको हेडलाइट वगैरह सेट करने के लिए, चाइल्ड लॉक और सेंटर लॉक वगैरह, चारों पावर विंडोज़ का आपको एक्सेस वहीं से मिल जाता है। हज़ार बटन यहाँ आपको दिया गया है, एंड उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिए गए, हवा कहाँ पर किस जगह कैसे कैसे लगानी है वो सारे कंट्रोल, फ़ैन की स्पीड बढ़ाने का करने का, कोल्ड और हॉट पे सेट करने का हीटर को, एंड मैनुअल 5 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन गाड़ी है। इसके जस्ट नीचे एक सॉकेट दिया गया है, उस सॉकेट में आप एडिशनल चार्जर बाय करके परचेस करके यूज़ कर सकते हो। एंड एज यू ऑल नो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक के जस्ट नीचे एक बोतल सॉकेट दिया गया है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लब बॉक्स। क्लब बॉक्स में डायरी तो मिलेगी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, एंड यहाँ पे हमने परफ्यूम लगा रखा है, एंड ऊपर आपको सनवाइजर जो देखने को मिलते हैं, उसको ड्राइवर में आपको एक मिरर देखने को मिल जाता है बट इधर नहीं। और यहाँ पे हम वैगनार VXI की बात करें तो इस वजह से यहाँ पे टच मिरर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको सीट को एडजस्ट करने का एक्सेस मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये पूरी आगे आ गई, आप यहाँ इसको लेटा भी सकते हो पूरी। सो ये थे अंदर के कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स। अब चलते हैं पैसेंजर साइज, पैसेंजर की तरफ। यहाँ पे आपको एक
विंडो का यहाँ से दिख जाएगा, विंडो अप डाउन करने का। एंड अंदर का आपको जो है ना, मुझे इसका सीट्स कवर, मतलब इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं बैठ के दिखा देता हूँ, इतने आपको स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे ऊपर को ड्राइवर का हेडरेस्ट, और ये ऊपर जो है ना बिल्कुल फैब्रिक है, हाँ फैब्रिक कपड़ा ही है। और यहाँ पे आपको दो एंड तीन, तीन आपको हैंडल मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए। पीछे के कोई ख़ास हेडरेस्ट नहीं है, बट सही है, एक नॉर्मल फैमिली गाड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है वैगनार। और यहाँ से हम, मैं आपको बता देता हूँ आपका लीवर वगैरह कहाँ पर है। तो पेट्रोल का आपको ओपन करना है, तो यहाँ पर स्विच है, और यहाँ से अपना हुड ओपन होगा। तो हुड ओपन करके हम एक बार बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, बिकॉज किसी भी गाड़ी का महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, इंजन। हाँ तो जुड़े सही होंगे, तभी तो बॉडी सही से काम करेगी। तो इंजन 1000 cc का आपको मिल जाता है बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डिग्गी का एक लोगे पीछे से, ठीक है, आपका क्या खोलने के नहीं, बूट स्पेस चेक करने के। बूट स्पेस इसका मैं आपको बता दूँ 341 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है इसमें पेट्रोल के अंदर। और ये एक पार्सल ट्रे रखी हुई है इसमें, अभी इन्होंने फिट नहीं कराई, अंदर ही रखी हुई है, कोई इशू नहीं है। ये ऊपर लग जाती है जहाँ पे हम बैग वगैरह रख लेते हैं, कोई पिकनिक वगैरह प्लान कर लेते हैं। और 341 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। तो इसे लॉक कर देते हैं हम, रेयर पार्ट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, फाइनली हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तीनों मॉडल की। तो सबसे पहले हमारी वैगनार को ले लेते हैं, VXI को। वैगनार VXI की प्राइस बता रहा हूँ 2023 में क्या लेने वाली है आपके सामने। EX शोरूम प्राइस होती है इसकी 5,99,448, यानी जो बिल्कुल खाली कोका होता है। RTO हो जाता है इसका 64,750 का। इंश्योरेंस होता है 1+3, यानी फर्स्ट पार्टी का 1 साल का और थर्ड पार्टी का 3 साल का, ठीक है। और यहाँ पे MGA मैंने लिए 16,453 की। EW ले ली, एक्सटर्नल वारंटी आप देख सकते हो, सब कुछ आपकी स्क्रीन के सामने है, मुझे बोल बोलने की ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट सारा मिला के, EW CCP सब मिला के 7,11,854 होता है। ऑफ़र चल रहा है 25,000 का अक्टूबर महीने में, मैं बना रहा हूँ 2023 में, ऑफ़र चेंज होते रहते हैं। लेटेस्ट ऑफर की नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं। तो फाइनल ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगी 7,12,046 रुपये की। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है हमारी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो इसके कुछ हाईलाइट फीचर अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें आपको 24.12 किलोमीटर का एवरेज आपको देती है LXI और स्टैंडर्ड के अंदर, कंपनी क्लेम करती है। और 24.76 किलोमीटर का ही देती है आपको VXI एंड VXI प्लस वेरिएंट में। एंड 25.30 यानी कि 25.30 का किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको VXI AGS में मिलता है माइलेज, और VXI प्लस में भी मिलता है। एंड सबसे हाईएस्ट माइलेज यानी 32.73 का माइलेज ये CNG में क्लेम करती है, और CNG किलोग्राम के हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। ये है रियर पार्ट, पीछे 3D में मेंशन है मेरे भाई एस्प्रेसो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 27 लीटर की है। एस्प्रेसो 3D में लिखा हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, भले ही गाड़ी इतनी कूल ना हो, वो आप डिसाइड करना, मैं कौन होता हूँ करने वाला। यहाँ पे साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो, ब्लैक कलर लग रहा होगा आपको, बट दिस इज़ नॉट ब्लैक कलर, ये ग्रे कलर है। ग्रे कलर इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा बिल्कुल, कि मुझे ब्लैक प्रीमियम की फीलिंग दे रहा है। आप इसे देख के कह नहीं सकते कि दिस इज़ ग्रे, ज़्यादातर लोग कमेंट में यही कहने वाले हैं कि ये तो ब्लैक है भाई, झूठ बोल रहे हो, बट ये सच है। तो यहाँ पे आप एक कुछ छोटा सा चूहा देख सकते हो जो वाइपर पे पानी मारने का काम करता है। एंड ये है एस्प्रेसो की जिसमें हमें एक की के अंदर सेंटर लॉक मिल जाता है, और जिससे हम इस गाड़ी को ओपन कर लेते हैं। अब आपको ड्राइवर साइड की कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, उससे पहले मैंने हाइलाइट्स बता दिए। 27 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, और 23.80 इसका mm के अंदर व्हील बेस है, और टायर साइज 13 का है स्टैंडर्ड और LXI में, और 14 का टायर साइज VXI प्लस और VXI के अंदर। तो ये हैं इसके कुछ दो लीवर, यहाँ से आप पीछे डिग्गी ओपन कर सकते हो पीछे की, और यहाँ से इसके जस्ट सेकंड में आप जो पेट्रोल का है वो आप देख सकते हो, दोनों लीवर। हमने डिग्गी ओपन की, फिलहाल आपको बूट स्पेस बताने के लिए, बूट स्पेस होगा इसका आई थिंक, वो आप गेस्ट करके मुझे कमेंट में बताना। तो ये पार्सल ट्रे, ये आपके लिए क्विज है। पार्सल ट्रे इसमें देखो लगी हुई है, वैगनार में नीचे रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पार्सल ट्रे फिट कर रखी है, अंदर कोई रिफ्लेक्टर वगैरह पड़े हैं, और मेडिकल फर्स्ट एड किट भी पड़ा हुआ है। तो हेयर यू कैन सी ये, और देखो वैगनार से तो छोटा ही लग रहा होगा आपको बूट स्पेस, जो कि है भी। आपके लिए टास्क है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इसका बूट स्पेस कितना है, फिर मैं आपको राइट आंसर वहाँ दूंगा।
तो यहाँ से हम पेट्रोल ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ पहले आपको ये बता देता हूँ मैं, इसका जो वही तीनों जो वैगनार में थे सिमिलर इसमें भी हैं तीनों फीचर। आप फैंस की स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, हम किधर कहाँ लगानी वो सेट कर सकते हैं। इसमें एक सॉकेट था, इसमें आपको दो सॉकेट मिलते हैं, बिकॉज भाई ये टॉप मॉडल भी तो है, ये एस्प्रेसो VXi प्लस की बात कर रहे हैं, वो थी वैगनार VXi, टॉप मॉडल नहीं थी वो। यहाँ पे आपको एडिशनल चार्जर सॉकेट प्लस एक USB सॉकेट, दो कप होल्डर एंड एक यहाँ पे छोटा सा स्पेस एंड 5 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन गाड़ी ये भी है, और क्या चाहिए फिर ज़िंदगी में। तो यहाँ पे आपको सीट्स हैं, और सीट्स नॉर्मल हैं बिल्कुल, थाई सपोर्ट भी है इसमें, और यहाँ पे टच म्यूज़िक सिस्टम इसलिए मिला है हमें बिकॉज़ ये टॉप मॉडल है एस्प्रेसो VXi में। दो ही मॉडल आते हैं, VXi एंड VXi प्लस, ठीक है। ये गोल सा जो डिज़ाइन दिया है ना, ये है काम का, डिजिटल मीटर अंदर फीड है, और ये बिल्कुल मॉडल लुक है इसका। क्लब बॉक्स में टर्म्स एंड कंडीशन जो कि वेगनार में भी थी, एयर बैग देखने को मिलते हैं आपको, एक और दो मैं बताना भूल गया, वेगनार में भी एयर बैग आते हैं। मारुति सेफ्टी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये गोल सा आपको जो है तो डिज़ाइन देखने को मिला है। एस्प्रेसो टॉप मॉडल है तो इसलिए आपको ऑडियो माउंटेन कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल और कॉलिंग कंट्रोल, वो सब सारे कंट्रोल सब ले लो, कंट्रोल रूम बना दिया इसको। एयर बैग देख सकते हो आप स्टेयरिंग के ऊपर ही। गाड़ी अगर आपको एस्प्रेसो आप प्लान कर रहे हो या वेगनार प्लान कर रहे हो, तो मैं पहले बता दूँ डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप क्वेरी कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल के लिए हम आपको कॉल पे भी एक्सप्लेन कर देंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर लेंगे। ये हैं डोर हैंडल, मतलब यार मुझे लिटरली मुझे हेडपम्प याद आ गया यार। तो यहाँ पे पीछे कोई पावर विंडो नहीं है, इसमें दो ही पावर विंडो आती हैं जो कि आगे होती हैं, और उनके दोनों के एक्सेस कहाँ होते हैं ये देखो, म्यूज़िक सिस्टम के नीचे दोनों वहीं देते हैं, मतलब डोर में नहीं है। वैगनार में मुझे सबसे अच्छा लगा ड्राइवर के वहाँ पे ही एक्सेस था सारा, मेरे भाई ड्राइवर ही सारा कंट्रोल देखेगा, वाओ ड्राइवर पायलट था उस वाले केस में। तो यहाँ पार्सल ट्रे फिट है, मैंने कहा था ना पिकनिक के लिए आप बैग वगैरह यहाँ कैरी कर सकते हैं। एंड चलो अब चलते हैं बाहर और बताते हैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में, फिर हम अगली गाड़ी चूज़ करते हैं। तो ये था ओवरऑल लुक एस्प्रेसो का, आगे का डिज़ाइन भी मॉडर्न है पूरा सब कुछ। ये वैगनार थी, इसके मुकाबले आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वैगनार ज़्यादा बेस्ट है या वैगनार ज़्यादा अच्छी लगी आपको लुक में या एस्प्रेसो अच्छी लगी। और केटेन का मैंने इसमें रिव्यू नहीं दिया है, केटेन का रिव्यू मैं जस्ट इससे प्रीवियस वाली यानी इससे पहले वाली वीडियो के अंदर है, वो आप चेकआउट कर लेना अगर आप छोटी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो। एस्प्रेसो की क्या प्राइस रहने वाली है, तो EX शोरूम से ही स्टार्ट करते हैं, सारी डील आपके सामने बनाएंगे हम, देखते रहिए। EX शोरूम 550,448 रुपये होती है गाड़ी की, और इसके बाद फिर हम इसका RTO कराते हैं, फिर वो RTO का अमाउंट हो जाता है 59,789 रुपये का। फिर इंश्योरेंस होता है वही 1+3, एक साल फर्स्ट पार्टी का एंड 3 साल थर्ड पार्टी का, तो इंश्योरेंस का अमाउंट 18,908 रुपये होता है। फिर फास्टैग एक नेसेसरी चीज़ है, तो ये RTO में भी काम में आता है, इसलिए 600 रुपये का मैंने इसे भी जोड़ लिया, तो ये 600 रुपये का फास्टैग हो जाएगा आपका। इसके बाद EW होती है एक्सटेंडेड वारंटी, गाड़ी की सब चीज़ की वारंटी हो जाती है इसमें, एक लाख किलोमीटर और 5 साल की होती है। टोटल इसके अमाउंट हो जाता है, आप देख सकते हो ऑफ़र चल रहा है अभी 30,000 का। लेटेस्ट ऑफर के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। ऑन रोड प्राइस पड़ेगी आपको 684,000 रुपये की, आप एस्प्रेसो VXi प्लस ग्रे कलर, या कलर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी घर ले जाए। एस्प्रेसो के बाद चलते हैं हम सेलेरियो की तरफ, एंड सेलेरियो आपके सामने है वाइट कलर के अंदर, बिल्कुल मॉडिफाई करने के बाद। मतलब पहले सेलेरियो आप देखोगे ना, ओल्ड सेलेरियो जो थी वो बिल्कुल ऐसी थी, मतलब समझ जाओ आप ये वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगी है। बड़ी सी लाइट आपको देखने को मिलती है एक हेलोजन हेडलैम्प के साथ, और आगे का डिज़ाइन हल्का सा क्रोम, आधा क्रोम इधर एंड आधा क्रोम उधर, बीच में 3D के अंदर लोगो, और यहाँ पे ग्रिल भी देखने को मिलती है, नीचे बोनट ब्लैक सा नंबर प्लेट की जगह, और यहाँ पे कोई माउस नहीं है, और ऊपर आपको शार्क टैंक एंटीना नहीं, नॉर्मल एंटीना मिलता है ब्रेदर थोड़ी भाई। ये साइड प्रोफाइल है आपका सेलेरियो का। एंड इसके टायर की बात करूँ मैं अगर, तो टायर साइज़ है इसका 14 का LXi, VXi और ZXi में आएगा, और 15 का साइज़ आएगा ZXi प्लस के अंदर। इसमें कितना है 14, तो यानी कि ये सेलेरियो ZXi है। सो हेयर यू कैन सी इसके ORB में साइड टर्न इंडिकेटर्स हैं, एंड इसमें साइड प्रोफाइल में इसके जो
हैंडल एंड डोर हैंडल वो बॉडी कलर में ही है। पीछे रेयर की बात करूँ तो 3D के अंदर सेलेरियो लिखा हुआ है, एक लोगो है और उसके जस्ट नीचे डिग्गी का लॉग एक्सेस है, मतलब डिग्गी हैंडल है, आप उसे ओपन कर सकते हो हुड को, सॉरी बूट स्पेस को देखने के लिए बूट को। प्लस इसका ये पूरा रेयर है। इसके पार्किंग सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके पार्किंग सेंसर कितने हैं, ये डिग्गी हैंडल आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके एक लॉक, ये जो लॉक है इससे हम मैनुअली इसको लॉक कर सकते हैं, इसमें कोई सेंटर लॉक वगैरह फीचर्स नहीं आते, लगवा सकते हो आप एडिशनली। और ये आपके बोतल कैरी करने के लिए, एक फ़ाइल रखने के लिए, और अंदर का कुछ डिज़ाइन, ये एक नॉर्मल डिज़ाइन है, कोई बटन नहीं है, इसे बटन बिल्कुल मत समझना, एंड ज़्यादातर डिज़ाइन है बटन नहीं है, ये बटन हैं आपके जो है तो हेडलाइट वगैरह को, साइड टर्न इंडिकेटर्स को। और यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर नहीं मिलता है, एक मैनुअल मीटर है। और यहाँ पे आपको तो यही सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कंबाइंड हैं, 5 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन वही सेम फीचर, 2 कप होल्डर एंड एक छोटी सी जगह और 12 वोल्ट का आपको 120 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट में। और नीचे ये इसके साथ में USB नहीं है, डिज़ाइन है, 3 वही सारे फ़ैन की स्पीड बढ़ाना करना हो आपको तो वो यहाँ से सेट कर सकते हो, AC कोल्ड ये सारी चीज़ें। पावर विंडो के एक्सेस यहाँ पे दिए डैशबोर्ड पे, वैगनार की तरह डोर पे नहीं है, वैगनार मुझे सबसे अच्छी चीज़ वही लगी। और हेर यू कैन सी यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी दिया गया है और सेंटर लॉक भी दिया गया है और क्या नाम से विंडो लॉक भी दिया गया है, चाइल्ड लॉक जिसे कहते हैं, विंडो लॉक हो जाती है, उससे कोई भी बच्चा वहाँ से नहीं खोल सकता। और मैंने जैसे कि कहा था ये सेलेरियो VXI है, इसलिए इसमें टच म्यूजिक सिस्टम नहीं है। क्लब बॉक्स, टर्म्स एंड कंडीशन, एयरबैग एक इधर, 2 एयरबैग आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। ये थाई सपोर्ट भी दिया गया है इसमें, हेडरेस्ट भी बढ़िया है, शानदार है। यहाँ से सीट एडजस्ट कर सकते हो जो कि तीनों गाड़ियों में आपको देखने को मिली हैं। तो ये था आपका ड्राइवर साइड से और ये था आपका पैसेंजर साइड। अब पैसेंजर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ, ये है लॉक, चाइल्ड सेंटर लॉक जिससे हमारी लॉक हुई हुई था ये, अब मैंने इसको अनलॉक कर दिया है और ऐसे आगे से करना पड़ता है अनलॉक। यहाँ पे हमें मिलते हैं एक बोतल कैरी करने का, फाइल रखने का सॉकेट, एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हेडरेस्ट, पीछे पार्सल ट्रे, तीनों गाड़ियों में मैंने पार्सल ट्रे लगभग दिखाई हैं आपको। इसकी एक और अमेजिंग बात बताता हूँ, 2 पावर विंडो तो इसमें आगे थी, पहले ही बता देता हूँ ये फैब्रिक है, इसके बाद सनवाइजर के अंदर इसमें मिरर है बट इसमें नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ड्राइवर अगर आईना देखेगा तो कांच में कौन देखेगा भाई, बस कंडक्टर अगर सो जाए तो सबके टिकट बच जाते हैं बट ड्राइवर सो जाए तो सबके कट जाते हैं ना। सो यहाँ पे हमें मिलती हैं 2 पीछे की पावर विंडो, सारे एक्सेस, मतलब कि 4 पावर विंडो हैं इसमें सेलेरियो के अंदर। और ये था आपको बस नॉर्मल से एक ओवरव्यू, सो दैट्स इट। अगर मुझसे कुछ रह गया हो, कुछ बताना मैं रह गया हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो यार अब पैसे की बात कर लेते हैं, सेलेरियो ZXI की हम बात कर रहे हैं, कितने की पड़ने वाली है आपको 2023 में। सेलेरियो ZXI की एक शोरूम प्राइस 611,448 है, RTO हो जाएगा 65,965 का, इंश्योरेंस होगा 1+3 यानी एक साल सामने वाली पार्टी का, एक साल फर्स्ट पार्टी का और 3 साल का थर्ड पार्टी का। MGA मैंने बेसिकली ये 17,062 रुपये की EW ले ली है, एक्सटर्नल वारंटी होती है ये, इसमें ये ज़रूरी होता है जो नेसेसरी चीज़ें ना, कंपलसरी चीज़ें वो ली मैंने आपके लिए सिर्फ कि आपको फ़ायदा हो सके। तो CCP है 1687 का, क्या होता है इंजन में काम आता है, ऑयल की कोई मान लो मैकेनिक आपका ऑयल की जगह कुछ और डाल दे, पानी आ जाए इंजन में, तो वो चीज़ है। तो टोटल सब मिला के इतने की प्राइस पड़ रही है और 35,000 ऑफर चल रहा है अभी, अक्टूबर में वीडियो बना रहा हूँ ऑफर्स के लिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है और संपर्क कर सकते हैं, हर महीने ऑफर अलग अलग होते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये कुछ टोटल आपकी प्राइस रहने वाली। गाड़ी लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पैसा, क्योंकि पैसे से ही तो गाड़ी आएगी। अब पैसा कमाना एक आर्ट है और आर्ट को सीखा जाता है, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको सिखाएगी।